तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है लॉसेस इन कूलिंग टावर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कूलिंग टावर में कितने प्रकार का लॉसेस होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे फ्रेंड्स नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम करता है, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम करता है। अगर अभी तक यह वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि इस कूलिंग टावर में लॉस कितने प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कूलिंग टावर में जो कंडेंसर का आउटलेट वाटर है, यानी हीटेड वाटर जो है, वह क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से एंटर करता है और एंटर करके यहां पे हम लोग का कूलिंग टावर में आता है, और इस हेडर के जस्ट नीचे होता है हमारा नोजल। नोजल से पानी क्या होगा फ्रेंड्स, स्प्रे होगा और नीचे की तरफ गिरेगा। तो नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फिलिंग्स लगा हुआ रहता है। और यह भी जानते हैं कि एयर क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से हम लोग का इस कूलिंग टावर के अंदर एंटर करता है, और फ्रेंड्स यहां पे एयर और वाटर का कॉन्टेक्ट होता है, जिसके चलते यहां पे हीट का एक्सचेंज होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या होगा, हम लोग का जो हॉट वाटर है वो कोल्ड होकर के इस सम्प में कलेक्ट हो जाता है, और जो एयर है फ्रेंड्स, वो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करके यहां से हम लोग का एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कूलिंग टावर में वाटर और एयर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, जिसके वजह से यहां पे हीट का एक्सचेंज होता है, और फ्रेंड्स इसी हीट एक्सचेंज के दौरान कुछ अमाउंट में वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस दौरान क्या होगा, वाटर हम लोग का वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वेपर में बनेगा तो इसका डेंसिटी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो स्टीम है, जो वाप है, वह क्या करेगा फ्रेंड्स, इस एयर के साथ बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। फ्रेंड्स जैसे ही वाटर इवेपोरेट होकर के यहां से हम लोग का एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो इसके चलते इस कूलिंग टावर में पानी का कमी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे कुछ अमाउंट में हमारा वाटर इवेपोरेट हो गया, तो जैसे ही बाहर जाएगा तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर का कमी होगा। तो इस टाइप के लॉस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन लॉस, यानी कि फ्रेंड्स पहला हम लोग का आता है इवेपोरेशन लॉस। तो पहला लॉस हम लोग का इवेपोरेशन लॉस है। अगर फ्रेंड्स आपको इवेपोरेशन लॉस कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इवेपोरेशन लॉस इक्वल, अभी हम लोग समझते हैं कि इस इवेपोरेशन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए किन किन पैरामीटर का हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को तो यह पता होना चाहिए कि इस कूलिंग टावर में पानी का सर्कुलेशन रेट कितना है, यानी कि कितना अमाउंट में पानी हम लोग का नीचे गिर रहा है, यानी एक घंटा के अंदर कितना पानी हम लोग का इधर फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या चाहिए फ्रेंड्स, सर्कुलेशन रेट, जो कि होता है फ्रेंड्स हम लोग का एमक्यू पर आवर। ठीक है, हम लोग का पता चल गया कि पानी कितना इस कूलिंग टावर के अंदर एंटर कर रहा है। अब दूसरा क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कि यह जो वाटर है, जो इनलेट वाटर है, इसका टेम्परेचर कितना है, और यह वाटर कोल्ड होने के बाद, यानी ठंडा होने के बाद जब सम्प में आ जाता है, इसका टेम्परेचर कितना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग पता करेंगे, उससे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सर्कुलेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लिख सकते हैं T1 लिख सकते हैं, इसको आप T2 लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए फ्रेंड्स T1 - T2, या इसको फ्रेंड्स आप डेल्टा T भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली में डेल्टा T भी लिख देते हैं, यानी इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। और उसके बाद हम लोग को क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इस वाटर का स्पेसिफिक हीट हम लोग को पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं फ्रेंड्स सीपी से, तो इसका वैल्यू होता है 1 kcal/kg°C, और उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स इस वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि इसको हम लिख देते हैं फ्रेंड्स HV से, यानी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब कि कितना वाटर को हीट का जरूरत पड़ेगा जिसके चलते वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स 540 kcal/kg, यानी कि फ्रेंड्स अगर 540 किलो कैलोरी हीट देंगे तो 1 kg वाटर है फ्रेंड्स हम लोग का क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, हम लोग का क्या पता होना चाहिए, सर्कुलेशन रेट पता होना चाहिए, इसका डेल्टा टी पता होना चाहिए, और इनटू कर देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे 540 से, तो हम लोग को पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि इवेपोरेशन लॉस कितना हुआ है। फ्रेंड्स इस इवेपोरेशन लॉस का एक थंब रूल होता है कि अगर हम लोग इस कूलिंग टावर में 10 लाख किलो कैलोरी हीट का रिजेक्ट करवाएंगे, या पानी जो जा रहा है फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, हीट है, अगर हम लोग यहां पे 10 लाख किलो कैलोरी हीट का रिजेक्ट करवाते हैं कितना फ्रेंड्स,
तो 10 लाख किलो कैलोरी हीट का अगर रिजेक्ट करवाते हैं तो यहां पे हम लोग को इवेपोरेशन लॉस कितना मिलता है, 1.8 MQ यहां पे हम लोग का इवेपोरेशन लॉस होता है। तो फ्रेंड्स पहला हो गया हमारा इवेपोरेशन लॉस, और दूसरा जो लॉस देखने को मिलता है वह क्या है फ्रेंड्स कि जैसे ही एयर हम लोग का बाहर की तरफ निकलता है, यहां से एयर हम लोग का एटमोस्फियर में निकलता है, तो फ्रेंड्स कुछ अमाउंट में एयर क्या करता है वाटर पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेकर के चला जाता है। तो इस वाटर पार्टिकल को जैसे ही एयर के साथ मूव करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे ही एयर यहां से कुछ वाटर पार्टिकल को लेकर के बाहर एटमोस्फियर में रिलीज करता है, बाहर रिमूव करता है, तो इस वाटर पार्टिकल का बाहर रिमूव होने की वजह से इस कूलिंग टावर के अंदर पानी का कमी हो जाता है। तो इस टाइप के लॉस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट लॉस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट लॉस, या फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं विंडेज लॉस। तो फ्रेंड्स इस लॉस को रिमूव करने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाए हैं तो यह जो ड्रिफ्ट लॉस है वह क्या होता है फ्रेंड्स, मिनिमाइज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, अगर हमारे पास नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो और इस कूलिंग टावर में अगर हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर इंस्टॉल न करें तो कितना यहां पे ड्रिफ्ट लॉस होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक थंब रूल है कि जो सर्कुलेटिंग वाटर है इसका 0.3% से लेकर के 1% तक हम लोग का ड्रिफ्ट लॉस होता है अगर हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में अगर हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर ना लगाएं तो। तो कितना होता है फ्रेंड्स, लगभग हमारा 0.3% से लेकर के 1% तक हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में लॉस होता है। और फ्रेंड्स अगर यही हम लोग का इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर रहता, तो इस टाइप के कूलिंग टावर में अगर हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर ना लगाएं तो कितना लॉस होता है, तो लगभग होता है फ्रेंड्स 0.1% से लेकर के 0.3% किसका, तो यह जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है इस सर्कुलेटिंग वाटर का 0.1% से लेकर के 0.3%। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि इसका सर्कुलेटिंग वाटर कितना है, मान के चलते हैं फ्रेंड्स 1500 MQ पर आवर है, तो फ्रेंड्स इसका 1% कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारे पास नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो और इसके अंदर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर ना हो, इसका सर्कुलेशन रेट इतना है 1500 MQ पर आवर है, तो इसका मैक्सिमम इसके अंदर विंडेज लॉस कितना हो सकता है, तो 15 MQ पर आवर, और मिनिमम आप निकाल सकते हैं 0.3 पे कि मिनिमम लॉस कितना होगा। तो फ्रेंड्स यह तो हम लोग का थंब रूल हो गया विदाउट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। अगर हमारे पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो और इस कूलिंग टावर में अगर हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को इंस्टॉल किए हो तो भी यहां पे कुछ अमाउंट में ड्रिफ्ट लॉस होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही फैन चालू करता है तो एयर को ऊपर क्या करेगा, खींचता है, तो उस एयर के साथ कुछ अमाउंट में वाटर पार्टिकल भी उसके साथ आ जाता है, यानी कि ड्रिफ्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसके वजह से भी ड्रिफ्ट लॉस होता है, तो कितना होगा, तो फ्रेंड्स नॉर्मली देखा जाता है कि यह जो हम लोग का वाटर है सर्कुलेटिंग वाटर का कितना होगा फ्रेंड्स, 0.005% होता है। तो आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स इसका 0.005% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो उसमें हम लोग का अगर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाए हैं या नहीं लगाए हैं तो इतना होगा, लगाए हैं तो इतना होगा लॉस। उम्मीद करता हूं कि आपको इवेपोरेशन लॉस क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ड्रिफ्ट लॉस या विंडेज लॉस क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस कूलिंग टावर में एक और लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स थर्ड को क्या बोलेंगे, ब्लो डाउन लॉस। तो फ्रेंड्स यह ब्लो डाउन लॉस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जैसे यहां पे इवेपोरेशन होगा तो बाहर क्या चला जाता है, वाटर हम लोग का इवेपोरेट होकर बाहर चला जाता है, तो यहां पे जो इवेपोरेशन होता है वह प्योर वाटर का इवेपोरेशन होता है। यानी कि फ्रेंड्स यहां पे प्योर वाटर का इवेपोरेशन होगा तो इस वाटर में जो भी इंप्योरिटीज होगा, जैसे कि हमारा TDS हो गया, सिलिका हो गया, या जो भी इंप्योरिटीज है फ्रेंड्स वह क्या होगा इस कूलिंग टावर के अंदर ही क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। जैसे ही यहां पे इवेपोरेशन होगा तो जो भी इंप्योरिटीज है वह यहीं पे एक्युमुलेट होगा, यानी धीरे धीरे इंप्योरिटीज का एक्युमुलेशन इंक्रीज होगा, तो यह पानी क्या होगा फ्रेंड्स पूरा इंप्योर हो जाएगा, पूरा एकदम गंदगी हो जाएगा, यानी हाई कंसंट्रेटेड वाटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इस हाई कंसंट्रेटेड वाटर को अगर कंडेंसर में भेजेंगे तो उसके ट्यूब को क्या कर देगा, चॉक कर देगा, डैमेज कर देगा, बहुत सारा प्रॉब्लम कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस कंडेंसर का ट्यूब डैमेज ना हो, यानी कंडेंसर में हमारा चॉकिंग ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो वाटर है इसका एक लिमिट दे देते हैं कि इससे ज्यादा इसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं होना चाहिए। अगर हायर इंप्योरिटीज है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां
यहां से पानी को क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिमूव कर देते हैं। यहां से वाल्व ओपन, एक वाल्व दिया रहता है ब्लो डाउन वाल्व, इसको हम लोग खोलेंगे तो हाई कंसंट्रेटेड वाटर का जो पानी है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो जैसे निकलेगा तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश वाटर जिसका की इंप्यूरिटीज बहुत ही कम है, फ्रेश वाटर का इंप्यूरिटीज क्या होता है कम होता है, तो यहां से हम लोग फ्रेश वाटर इस सम्प में भर देंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इस वाटर का जो कंसंट्रेशन है वह मेंटेन हो जाता है, जो इतना कि हम लोग को कंडेंसर का डिजायर्ड लिमिट है। तो फ्रेंड्स यह जो ब्लो डाउन किए जो कि बाहर में ऐसे ही रिमूव हो गया, ऐसे ही फ्री में हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर दिए, तो इसके चलते भी इसका लॉस हुआ ना, यहां पे वाटर का लॉस हुआ, तो इस टाइप के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो डाउन लॉस। अभी हम लोग समझते हैं इस ब्लो डाउन लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे जैसा कि हम लोग स्टडी किए कि तीन लॉस होता है, एक होता है फ्रेंड्स हमारा इवेपोरेशन लॉस, दूसरा होता है ड्रिप लॉस और तीसरा होता है हमारा ब्लो डाउन लॉस। तो देखिए फ्रेंड्स जो जैसे हम लोग ब्लो डाउन करते हैं तो यह क्या करता है, इंप्यूरिटीज अपने साथ लेके जाता है, और फ्रेंड्स जैसे हम लोग का ड्रिप लॉस होगा तो यह भी वाटर पार्टिकल जैसे बाहर निकलता है, यानी कि फ्रेंड्स यह भी अपना जो इंप्यूरिटीज है वो भी साथ ले जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे हम लोग इवेपोरेट करेंगे, जैसे वाष्पीकरण करेंगे, तो वह जैसे वाष्प बनेगा तो वो अपना इंप्यूरिटीज जो पानी का इंप्यूरिटीज है वह लेके नहीं जाएगा, वो प्योर वाटर इवेपोरेट होता है। यानी कि फ्रेंड्स इंप्यूरिटीज वाला को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे और इवेपोरेशन लॉस को एक साथ कर देंगे। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, यानी कि ब्लो डाउन लॉस निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन प्लस परसेंटेज ऑफ क्या है फ्रेंड्स हम लोग का ड्रिफ्ट है ना, इक्वल टू कर देंगे फ्रेंड्स हमारा कितना इवेपोरेट हो रहा है, यानी परसेंटेज ऑफ इवेपोरेशन। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे COC-1। तो फ्रेंड्स यहां पे COC क्या है उसको आप समझिए, जैसे हम लोग इवेपोरेट करते हैं तो इसका इवेपोरेशन की वजह से जो भी इंप्यूरिटीज है वो हमारा यहां पे कलेक्ट होता है, यानी कि फ्रेंड्स यह पानी हम लोग का क्या होता है इंप्योर हो रहा है, तो इसका जो इंप्यूरिटीज का लेवल है वह क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होने लगता है। लेकिन यह जो हम लोग वाटर मेकअप करते हैं इसका इंप्यूरिटीज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस सम्प में जो वाटर है इसके अंदर इंप्यूरिटीज बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर TDS बहुत ही ज्यादा हाई होगा, और फ्रेंड्स जो मेकअप वाटर कर रहे हैं इसके अंदर इंप्यूरिटीज क्या होगा कम होगा, यानी कि इसका TDS भी कम होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स इस वाटर का TDS को इस वाटर के TDS से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक वैल्यू मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं COC, यानी कि साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए फ्रेंड्स साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन के हम लोग सेपरेट वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो वैल्यू मिलेगा उसमें से वन कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का ब्लो डाउन लॉस कितना हुआ, यानी कि फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन हम लोग का निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ड्रिफ्ट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ड्रिफ्ट लॉस हम लोग का नील है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन इक्वल टू लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ इवेपोरेशन डिवाइड COC यानी साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन माइनस वन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस कूलिंग टावर में जितने भी लॉस है, चाहे हमारा इवेपोरेशन लॉस हो, ड्रिफ्ट लॉस हो या फ्रेंड्स ब्लो डाउन लॉस हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।